Assalamu alaikum and uh, <coughs> first of all you are welcome in the SBS spoken English after long days I came in front of you for teaching today uh, the main part of the English uh, before long days I made the one clip by helping up एक क्लिप हमने बनाया था helping ऑफ का उसमें comments भी आए थे कि इस वीडियो क्लिप में voice थोड़ा बराबर नहीं आ रही है sir कमेंट्स uh, आए थे नॉइजिंग आवाज़ें कैसे कैसे नॉइजिंग मिस क्रिएट हो रही है आवाज़ें आ रही है हमने कियर नहीं किया पीरियड था लॉकडाउन का इस वक्त में बनाया था तो उतना कुछ समझ भी नहीं आया तो हमने कुछ अभी हमने इसको देखा तो पता चला कितने परेशानियों से दिक्कतों से स्टूडेंट्स लिख कर ला रहे लिख कर इस क्लिप से स्टडी कर रहे आज हमने देखा तो पता चला कि इसके अंदर बहुत सारे में सुनाई जा रही है आवाज़ें आ रही है गड़बड़ है, है पूरी तो हमने सोचा कि इस क्लिप को क्यों ना डबल बनाया जाए आज इस क्लिप को फिर हम डबल बना रहे हैं उस क्लिप वो क्लिप नंबर था 84, क्लिप नंबर था uh, 84, 84 में हमने क्लिप न, uh, क्लिप का नाम दिया था हेल्पिंग हेल्पिंग ऑफ को इस इस क्लिप को फिर डबल आज बना रहे हैं हम आज 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 आप सुनेंगे कि ये क्लिप कैसा है इसके बारे में अगर कुछ हो तो फिर हमें कमेंट्स करके बताना टुडे वी आर लर्निंग हेल्पिंग ऑफ्स टू होम कॉल हेल्पिंग ऑफ्स हेल्पिंग ऑफ किसे कहते हैं जो वर्ड विच वर्ड विच वर्ड हेल्प टू कमरेटिंग द मीनिंग ऑफ वर्ब जो वर्ड वर्ब uh, का मीनिंग कमरेट करने का काम करता है उसे कहते हैं हेल्पिंग ऑफ जो वर्ड वर्ब का

वो लिखी हुई है बोर्ड पर एक एक करके दिखाएंगे खुलासा दे देकर दिखाएंगे उस खुलासे को लेकर आप ख़ुद प्रैक्टिस करेंगे आज देखेंगे कि ये हेल्पिंग ऑफ्स कितनी ईजी है कितने आसान है अगर हम हेल्पिंग ऑफ सीख जाएंगे तो इंग्लिश हमारी थर्टी न फोर्टी परसेंट इंग्लिश इनश् हमें समझ में आ जाएगी इंग्लिश कितनी आसान है आज हमारा जो फाउंडेशन है इंग्लिश है इंग्लिश अच्छा हो जाएगा तो सारा इंग्लिश सारा हमारा एजुकेशन ईजी हो जाएगा सारा लाइफ दुनियावी ज़िंदगी आसान हो जाएगी दुनिया की ज़िंदगी को आसान करने के लिए इंग्लिश का सीखना जरूरी होगा आज के पीरियड में इससे इंग्लिश का सीखने में इंग्लिश के सीखने में जो हमें मदद करता है वो हेल्पिंग ऑफ जो मदद करता है वो हेल्पिंग ऑफ हेल्पिंग ऑफ सीख लेंगे तो सेंटेंस बनाने में आसानी हो जाएगी सेंटेंस बनाने में ईजी हो जाएगा हम लोगों को इंग्लिश हार्ड नहीं जाएगा आज हमें सीखना है हेल्पिंग ऑफ Today we are टू लर्न हेल्पिंग ऑफ्स विच आर दी हेल्पिंग ऑफ्स हाउ how should, how should use the helping verbs in सिंधी sentence? Sentence में helping ऑफ us कैसे use करेंगे आज हम सीखेंगे एक एक करके हम सिखाएंगे उसे जैसे हम सिखा रहे वैसे आप ही practice करेंगे जो भी इस clip को देखेगा वो practice करेगा practice करने के बाद फिर हम इसका अपना अपना comments देंगे अपना जो ओपिनियन वो देख वो कहेंगे कि इस क्लिप से आपको कैसा लगा चलो आज हम स्टार्ट करते हैं लर्निंग द हाउ टू हाउ टू यूज द हेल्पिंग ऑफ सिंधी सेंटेंस चलो लेट्स स्टार्ट टुडे टाइटल इज़ हेल्पिंग ऑफ हेल्पिंग ऑफ मिस हिंदी में कहेंगे सहायकारी क्रियापद उर्दू में कहेंगे मददगार मददगार अल्फा मददगार अल्फाज ओके okay? ये कौन से है कैसे चलो अभी देखते हैं नंबर वन नंबर वन इज एम एम मिस हूँ एम मिस हूँ अब जब भी हम लोग एम यूज करेंगे सेंटेंस में एम का माना क्या हूँ जब भी एम यूज करेंगे उसके आगे जो वर्ब यूज़ करेंगे उस वर्ब को आई लगाकर यूज करेंगे ओके okay? ये याद रखना जब भी सेंटेंस में एम आएगा एम के आगे अगर वर्ब यूज करो तो उसे आई लगाएंगे अगर नाउन यूज करेंगे नाम यूज करेंगे तो नाम को तो आई एन नहीं लगा सकते सिर्फ आई आएगा वब को अगर वर्ब यूज करें तो उसे आई एन जी यूज करेंगे ओके okay? देखो एम इज हूं जैसे हम लोग यूज करते मैं हूँ आई एम हम ऐसा कभी कभी हम ऐसा तो यूज नहीं करते तू हूं ये हूँ वो हूं हूँ हूँ यूज़ करते सिर्फ हम मेरे लिए मैं हूँ तो यहाँ पर आई आई यूज़ करना पड़ेगा आई एम मिस मैं हूँ कैसे कहेंगे uh, मैं टीचर हूँ आई एम अ टीचर मैं टीचर हूँ आई एम अ डॉक्टर मैं डॉक्टर हूँ आई एम अ इंजीनियर मैं एक इंजीनियर हूँ आई एम अ पी एस आई मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ आई एम अ पुलिस मैन मैं पुलिस मैन हूँ आई एम अ गवर्नमेंट सर्वेंट मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ ऐसे यूज़ करेंगे ये नाम है हाँ वब यूज़ करेंगे तो उसे आई एन जी लगाएंगे हम नाम का यूज करके दिखा रहे हैं आपको आई एम ओके चलो सेकेंड सेकेंड है इज इज मिस है इज मिस है जब इज यूज़ करेंगे सेंटेंस में तो इसके आगे भी जब इसके बाद इसके इस मिस सेंटेंस में इज यूज़ करेंगे इसके बाद भी जो वब यूज़ करेंगे उसे भी आई एन जी लगा कर लिखेंगे इज इज मिस है अब जो भी थर्ड पर्सन है थर्ड पर्सन किसे कहेंगे मींस जो बात करता है बात करने वाला फर्स्ट पर्सन और जो सेकेंड दूसरा जो सुनने वाला है वो सेकेंड पर्सन सुनने वाला सुनने वाला एक भी हो सकता है एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन बात करने वाला बात करने वाले भी एक भी हो सकते एक से ज़्यादा भी हो सकते जिसकी जबान चलती है वो फर्स्ट पर्सन होता है मींस पहला शख्स होता है होता है जिसके कानों में आवाज़ पड़ती है वो कानों वाले सेकेंड पर्सन होते हैं यस yes, और जो दोनों के बीच बीच में जो बातें चल रही है जिसके बारे में बात चल रही है चाहे वो एक लड़का हो चाहे लड़की हो चाहे औरत हो चाहे आदमी हो चाहे जानवर हो चाहे चरिंदा हो चाहे परिंदा हो कुछ भी चीज़ हो दोनों के बीच में जिसके दोनों के बीच जो बातें चल रही है वो अकेला हो अकेले है कहने के साथ हैक करने के लिए इज यूज़ करेंगे फॉर स्पेशल स्पेशली शुड यूज है ईज़ फॉर ही शीट ही शीट के लिए ईज का यूज़ किया जाता है ही मीस वो शी मीस वो इट मीस वो अब ही भी अकेला ही मिस वो वो ही यूज करेंगे लड़के के लिए आदमी के लिए बूढ़े के लिए मुजक्कर के लिए मेल के लिए ये कहने के लिए और ये कहने के लिए अगर ये कहेंगे और ये है कहना या वो है कहना तो ही इज ये एक टीचर है ही इज अ टीचर औरत रही तो शी इज अ टीचर और लड़की रही तो गर्ल इज अ टीचर लड़का रहा तो बॉय इज अ टीचर ओके और वो अंकल है वो नो अंकल डॉक्टर है अंकल इज़ अंकल अकेले है ना बात करने वाले हम है जो जो भी ये सुन रहा है वो वो सेकेंड पर्सन है आप सुन रहे हो सुनने वाले सेकेंड पर्सन अभी आवाज़ जिसमें से आ रही है फर्स्ट पर्सन बात चल रही है डॉक्टर अंकल के बारे में अंकल डॉक्टर है कहना है तो अंकल इज अंकल अकेले है ना जो अकेला है उसके साथ है कहने के लिए इसका यूज़ किया जाता है ही इज अ डॉक्टर ओके अब ज्यादा हो तो आर यूज करेंगे आर का माना है आर का माना है थर्ड नंबर आर आर मीस है जब भी सेंटेंस में आर यूज करेंगे याद रखना उसके आगे जब वर्ब आएगा वर्ब यूज करेंगे तो आई एन जी लगाकर पेश करेंगे आय जी लगाकर यूज करेंगे दे आर दे आर अगर वर्ब यूज करो तो आई लगाएंगे हम जो एग्ज़ाम्पल दे रहे वो नामों का दे रहे नाम को तो आई नहीं लगाएंगे नाम को आई लगाया जाता भी नहीं वर्ब आता वर्ब वर्ब के फोर शक्लें होती है वर्ब के फोर काइंट्स होते हैं उसे लास्ट का काइंड होता है आई तो आई लगाना पड़ेगा जब सेंटेंस में एम इज़ आर यूज़ करेंगे अगर उसके आगे वर्ब यूज़ करेंगे तो वर्ब को आई लगाएंगे हम तो आई नहीं लगा रहे अभी हम प्रैक्टिस दिला रहे प्रैक्टिस प्रैक्टिस दिखा रहे हैं प्रैक्टिस कैसे करेंगे या तो अभी हम आपको समझा रहे कैसे समझ देखो सुनना आर यूज करेंगे है कहने के लिए है 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 नून आएगा है ज्यादे जमा अन्य क्वेश्चन अन्य क्वेश्चन को है कहने के लिए आर यूज़ करेंगे जैसे स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स स्टूडेंट एक हो तो स्टूडेंट है कहना है एक हो तो स्टूडेंट इज ज़्यादा हो तो स्टूडेंट्स आर स्टूडेंट्स आर अगर आदमी हो तो मैन इज मैन इज़ ज्यादा ज़्यादे आदमी आदमी हो तो मेन आर एम मेन आर यस अगर शख्स हो पर्सन आद शख्स है पर्सन इज और, और शख्स हैं तो पर्सनस आर ऐसे कहना पड़ेगा ओके डॉक्टर हो तो डॉक्टर है कहना है तो डॉक्टर इज डॉक्टर इज ओके डॉक्टर ज़्यादा हो तो डॉक्टर्स आर ऐसे ओके ऐसे प्रैक्टिस करेंगे ऐसे याद रखना एम मिज हूँ इज मिस है आर मिस हैं ओके और नंबर फोर फोर इज वाज वाज मीज था थी इसका डबल माना है देर आर टू मीस ऑफ दाज वाज का दो माना है था थी लड़के के लिए भी यूज़ करेंगे लड़की के लिए भी था करने के लिए लड़का लड़के को था करने के लिए लड़की को थी करने के लिए वो था ही वाज अकेले को ही वाज लड़की थी शी वाज वो डॉक्टर था ही वाज अ डॉक्टर वो, वो डॉक्टर डॉक्टर थी शी वाज डॉक्टर ओके okay? अब वाज भी यूज करेंगे सेंटेंस में वाज आएगा तो उसके आगे जब जब अगर हम वर्ब यूज करेंगे तो वर्ब को आई एन लगाकर यूज करना पड़ेगा ओके okay? वो तो कैसे यूज करना पड़ेगा इसमें और एक क्लिप है क्या क्लिप का नाम है वी, वर्ब आई एन जी एस बी एस लिखो उसे देखो तो समझ में आएगा आई एन जी कैसे यूज करेंगे लिखेंगे क्लिप नंबर लिखने की जरूरत नहीं है लिखो वर्ब ए, वर्ब आईएनजी लिखो वर्ब आईएनजी एन एस बी एस लिखो तो उसमें वीडियो क्लिप ओपन हो जाएगा उसकी प्रैक्टिस आईएनजी की प्रैक्टिस उस क्लिप में मिल जाएगी इनशाला ओके आगे चलो नंबर फाइव वेयर मिस थे मिस थे ज्यादा अगर थे कहना हो तो वेयर यूज करना पड़ेगा स्टूडेंट उस्टुरं, था स्टूडेंट वाज ज्यादा स्टूडेंट थे कहना हो तो स्टूडेंट्स वेयर ओके लड़के थे बॉयज़ वेयर लड़कियाँ थीं गर्ल्स वेयर यस yes? और याद रखो ये जो आर है आर अगर यू रहा यू यू इज़ अ एक्सेप्शन यू क्या है एक अपवाद है एक्सेप्शन है यू के साथ इज़ यूज़ नहीं कर सकते और यू अकेला हो तो भी आर यूज़ करेंगे तो भी आर कहने हाई कहने के लिए आर यूज़ करेंगे अगर यू ज़्यादा भी हो अगर जमा भी हो अन्य क्वेश्चन भी हो तो हैं कहने के लिए भी आर यूज़ करेंगे अकेले के लिए भी आर और ज़ादों के लिए भी आर वैसे ही वास का यूज़ भी वैसे ही करेंगे अकेला था कहना हो तो भी वेयर यूज़ करेंगे यू वेयर यू के साथ बाकी किसी के साथ भी नहीं यू के साथ वेर यूज़ करेंगे अकेला था ज़्यादा भी थे तो भी वेयर यूज़ करेंगे वो था तू था तू था यू वेयर तुम थे यू वेर इस तरह से और वेर भी यूज करेंगे वेर के आगे अगर यूज करेंगे तो उसे नो नो वेर के आगे अगर वर्ब यूज करेंगे तो उस वर्ब को आयकर लिखेंगे गे? इस तरीके से ये फोर याद रखना ओके एम मिस हूं इज मिस है आर मिस है वाज मिस था थी वेर मीन थे वेर मींस थे नंबर सिक्स डू डू मिस करता करता लड़का रहा तो करता होगा लड़की रही तो करती अगर ज़्यादा हो जमा हो तो करते ऐसे थ्री माना बनाएंगे एक वर्ड के डू मिस करता करती करते ओके अब डू किसके साथ यूज़ करेंगे डू सारों के साथ यूज़ करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़कर, तीसरे वाहिद शख्स को छोड़, छोड़ बाकी सबके साथ डू का यूज़ करेंगे तीसरा वाहिद शख्स कौन सा अभी हमने कहा था ना तीसरा वाद शख्स उसे कहेंगे बात करने वाला पहला शख्स सुनने वाला दूसरा शख्स और दोनों के बीच में जो जिसके बारे में बातें चल रही है अगर टीचर हो तो टीचर अगर वाद अकेला हो तो उसके साथ डी डूज डू यूज़ नहीं करेंगे और अगर मैम हो मैम अकेले दोनों बातें कर रहे हो मैम के बारे में मैम मैम अगर अकेले हो अकेले के बारे में बात चल रही हो तो डू यूज़ नहीं करेंगे ओके कोई भी हो दोनों अगर बातें कर रहे हो अकेले के बारे में तो डू यूज़ नहीं करेंगे उसके साथ डज यूज़ करना है बाकी सबके साथ डू नंबर से जैसे थोड़ा एग्जांपल आई आई डू आई डू आई के साथ डू यूज करेंगे और वी डू यू डू दे यू डू दे डू दे डू दे डू अब ही डज शी डज इट डज ओके ऐसे यूज़ करेंगे को मिस कहो नो ये आप कहाँ से कहेंगे अभी जबान से निकलगा डू आई डू मैं करता हूँ आई डू मैं काम करता हूँ आई डू वर्क यस तू काम करता है यू डू वर्क हम काम करते है वी डू वर्क दे वो काम करते है दे डू वर्क वो काम करता है अकेला रहा तो ही डज वर्क डज यूज करेंगे ही शी इट के साथ डज यूज करेंगे डू और डज का दोनों का माना सेम है दो डू मिस करता करती करते डज मिस करता करती करते यस yes? डजनिस करता करती करते ही डज वर्क ओके वो काम करता है लड़की हो अकेली शी डज वर्क औरत हो वुमैन डज वर्क ओके ऐसे आदमी हो मैन डज वर्क ओके अकेला कोई भी अगर दोनों बात बातें कर रहे हो अकेले के बारे में तो वो करने के बारे में बात चल रही हो तो करना यूज़ कर, करते हो द, जब करना यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए डज यूज़ करेंगे तो नंबर एट नंबर एट, नम्बर एट ए डिड डिड मिस किया डिड मिस किया किया सारे प्रोनाउन के साथ यूज कर सकते जैसे uh, किया किए मिस आई डिड मैंने किया ही uh, डिड उसने किया शी डिड उसने किए दे डिड उन्होंने किए ऐसे इस तरह से डिड सारे प्रोनाउन के साथ यूज़ कर सकते हैव हैव मिस यहाँ पर लिखा हुआ के पास होना को होना का होना का खुद का होना इसके लिए हैव यूज़ करेंगे हैव यूज़ करेंगे सारे प्रोनाउन के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़कर अभी हमने फिर बात आई थर्ड पर्सन की अभी हमने यहाँ पर भी कहा था थर्ड पर्सन ये ईज के लिए फिर उसके बाद हमने थर्ड पर्सन कहा था डस के लिए वैसे ही थर्ड पर्सन यहाँ पर भी आया हैव हैव थर्ड पर्सन के साथ यूज नहीं करेंगे थर्ड पर्सन उसे कहेंगे बातें करने वाला फर्स्ट पर्सन सुनने वाला सेकेंड पर्सन और जो बातें जिस पर्सन के बारे में दोनों बातें कर रहे हैं वो तीसरा है आज वो तीसरा हो भी हो सकता आदमी भी हो सकता औरत भी हो सकती कोई चीज़ भी हो सकती झाड़ पहाड़ चरिंदा परिंदा जानवर कुछ भी हो सकता दोनों किसी के बारे में बात कर सकते वो किसी के भी बारे में बात कर सकते तो दोनों के बीच में जो बातें चल रही हो, है वो okay? तो थर्ड है ओके तो थर्ड पर्सन के साथ हैव यूज़ नहीं करेंगे ये यूज़ करेंगे फर्स्ट पर्सन के साथ जैसे आय आए हैव वी हैव यू हैव है यू हैव है है। है 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 दे हैव इनके साथ यूज करेंगे अगर ही अगर ही शी इट आएगा तो उसके साथ हैज यूज करना पड़ेगा आई हैव 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 वी यू यू हैव ही हैज शी हैज इट हैज थोड़ा सा एग्जाम्पल दे देंगे हम आई हैव मेरे पास है आई हैव अ पेन मेरे पास एक पेन है कौन होना यस मुझको घर है आई हैव अ होम मुझको खेत है आई हैव अ फार्म यस yes. मुझको भाई है आई हैव अ ब्रदर मुझको सिस्टर है आई हैव अ सिस्टर ऐसे यूज़ करेंगे एक हो तो अ यूज़ करेंगे ज़्यादा हो तो अ यूज़ करने की जरूरत नहीं है ओके ज़रूरत नहीं में यूज़ नहीं करेंगे ओके अगर तीसरा शख्स हो उसके उसके पास पैसा है ही हैज़ ही शी इट हमने कहा ही शी इट आएगा उसके साथ हैव यूज़ नहीं करेंगे हैज़ यूज़ करेंगे ही शी इट ही हैज़ ही हैज़ मनी उसके पास पैसा है उसके पास पेन है ही हैज़ पेन ओके okay, उसके पास खेत है ही हैज़ फार्म ही है उसके पास बाइक है ही हैज़ अ बाइक उसके पास उसके पास रजिस्टर है ही हैज़ अ रजिस्टर उसे डैडी है ही हैज़ अ डैडी उसे मम्मी है ही हैज़ अ मम्मी यस उसे ब्रदर है ही हैज ही हैज़ अ ब्रदर उसे बहना है ही हैज़ सिस्टर्स यस ऐसे ही यूज़ करेंगे यस और उसे दिमाग है ही हैज़ अ माइंड ही हैज़ माइंड उसे दिल है ही हैज़ हार्ट ऐसे यूज़ करेंगे अगर ही शी रही लड़की रही तो लड़की के लिए भी यही शी हैज़ अ सिस्टर उसके उसे बहन है वो लड़की और शी हैज़ अ मदर उसे माँ है या तो उसे हस्बैंड है शी हैज़ अ हस्बैंड शी हैज़ अ हस्बैंड उसे हस्बैंड है, है ऐसे ओके ऐसे यूज़ करेंगे अब ये हैव हैज बोथ मीन्स आर द सेम ये दोनों का माना सेम है लेकिन यूज़ करने में अलग अलग है ये हैज यूज करेंगे ही शी इट के साथ और और बाकी सबके साथ यूज करेंगे हैव ओके शी इट और ही अकेला है शी अकेला है इट अकेला है दोनों बात कर रहे तीसरे के बारे में अकेले अकेला जो भी हो उसके साथ हैज यूज करेंगे ओके okay? चलो उसके नीचे लिखा हुआ है, हैड हैड मिस, हैड मिस के पास था हैड मिस वन मिनट हैड मीन्स यहाँ हमने जैसे यहाँ पर लिखा के पास होना सिर्फ यहाँ इतना ही चेंज होगा होना निकाल कर था यूज़ करना पड़ेगा ये होना ये होना ये होना होना निकाल कर था जैसे यहाँ पर लिखा है के पास होना तो हैड अगर यूज़ किया तो के पास था हो जाएगा फिर हैड यहाँ पर यूज़ किया तो को था यहाँ का था या का खुद का था ऐसे यहाँ लिखा हुआ है के पास था को था का था का ख़ुद का था कोई चीज़ मेरे पास थी कहना है आई हैड आई हैड मेरे पास पैसा था आई हैड मनी मेरे पास कार थी आई हैड कार मेरे पास बिल्डिंग थी आई हैड बिल्डिंग यस मेरे पास uh, मेरे पास खेत था आई हैड फार्म मेरे पास बाइक था आई हैड बाइक मेरे पास रजिस्टर था आई हैड रजिस्टर यस yes. मुझे मुझे सास थी आई हैड मदर इन ला यस मुझे ससरे थे आई हैड फादर फादर इन ला फादर इन फादर इन ला मुझे साला था आई हैड अ ब्रदर इन ला मुझे साली थी आई हैड सिस्टर इन ला यस मुझे मामा थे आई हैड मैटरनल अंकल मुझे चाचा थे आई हैड पैटर्नल अंकल ऐसे यूज़ करेंगे ओके चलो आगे देखते हैं next नंबर इज कैन कैन मिज सकना कोई चीज़ सकना कहना हो तो हम कैन का यूज़ कर सकते सारे प्रोनाउन के साथ कैन यूज़ करेंगे आई कैन गो मैं जा सकता हूँ वही कैन गो हम जा सकते हैं यस यू कैन गो तू जा सकता है यू कैन गो तुम जा सकते हो ही कैन गो वो जा सकता है ऐसे शी कैन गो वो जा सकती है यस दे कैन गो वो जा सकती है सारे प्रणाम के साथ सबके साथ कैन यूज़ कर सकते हो ओके दी नेक्स्ट कुड कुड मीज सका कुड मीज सका सका भी सारे प्रोणाम के साथ यूज़ कर सकते हैं जैसे आई कुड आई कुड कम मैं आ सका वई कुड कम हम आ सके यस यू कुड ईट तू खा सका you could you could drink two pi two pi saka. Yes, he could uh, he could he could play. वो खेल सका. She could she could run. वो दौड़ सकी. ऐसे. अब shall shall कैसे use करेंगे? Shall use along I and we only. This this says the grammar only. ये grammar कहता है कि I जब use करेंगे I के साथ ही shall का use करना. और जब we कहेंगे W we तो we के साथ shall का use करना. We के साथ शाल का यूज करना बाकी कुछ भी यूज करेंगे जबान से तो उससे उसके साथ विल यूज करेंगे सिर्फ आय कहेंगे तो आई शाल वी कहेंगे तो वी शाल याद रखो ये ग्रामर कहता है ये हम नहीं कहते ग्रामर की लॉन्चिंग लॉन्चिंग बाय द इंग्लैंड ग्रामर की शुरुआत इंग्लैंड से हुई ये ग्रामर कहता है जब आय कहो तो आय के साथ शल यूज करो और, और वही के साथ शल यूज करो शल का माना व्हाट्स मीन ऑफ दिस शल दर नो इन मीन इन दी वन डिक्शनरी इन दी इंडियन डिक्शनरी बाय शाल शाल एंड विल शाल एंड विल का कोई माना नहीं है बट अल्लाह तेव दिस समू मी फॉर टीचिंग टू स्टूडेंस डेट हाउ टू बी ईजी दी टॉकिंग लर्निंग बातचीत करना सीखना कैसे आसान होगा अल्लाह ने कुछ जहन में डाला बात तो हमने ये लिखा शालमिस वाला शालमिस वाला वाली वाले इसका मानना होगा शालमिस वाला वाली वाले लेकिन शाल यूज ओनली फॉर फ्रीचर टेंस फ्यूचर टेंस मींस ज़माने मुस्तबिल भविष्य काल के लिए भविष्यकाल के लिए शाल का यूज किया जाता है दिख नहीं रहा है थोड़ा ठहरो अभी थोड़ा ग्रामर उधर लेते हैं मिस वाला वाली वाले भविष्य भविष्यकाली सहीकारी क्रियापद ये हिंदी में लिखा हुआ है मीन्स जमाने मुस्तबिल का मददगार अल्फाज कहेंगे इसे जो जमाने मुस्तबिल के लिए यूज़ किया जाता है जो जमाने मुस्किल में काल के लिए यूज़ किया जाता है यहाँ से वन सेकेंड भी आगे की अगर बात करना हो तो शल यूज़ करेंगे या तो विल यूज़ करेंगे शल विल दोनों का माना सेम है ये वाला कहने के लिए यूज़ किया जाता है वाला वाला कहने के लिए शल यूज़ करेंगे शल एंड विल शल आई शल आई शल मीन्स मैं वाला आई शाल गो मैं जाने वाला हूँ यस मैं मैं जाने वाला हूँ वही वैशाल को हम जाने वाले आई शल गो मैं जाने वाला हूँ आई शल ईट मैं खाने वाला हूँ आई शल रन मैं दौड़ने वाला हूँ वी शाल रन हम दौड़ने वाले यू विल राइट तू लिखने वाला है या तुम लिखने वाले हो यस दे विल दे विल रीड वो पढ़ने वाले वाला 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 कहने के लिए वाला वाली कहने के लिए, लिए शल यूज करेंगे समझ गए प्रैक्टिस करेंगे खुद और अगर आई यूज़ ना करो अगर दूसरे प्रोण यूज़ करेंगे वी शाल गो हम जाने वाले आई और वी को छोड़कर दूसरा कुछ भी आएगा तो विल यूज़ करेंगे यस यू विल गो यू विल गो तू जाने वाला है आई शल गो मैं जाने वाला हूँ ओकि आई कहेंगे तो शल वही कहेंगे तो शल बाकी यू आएगा ही, ही आएगा शी आएगा ईट आएगा तो विल यूज करने करना पड़ेगा ही विल राइट वो लिखने वाला है will राइट वो लिखने वाली है will राइट वो लिखने वाली है इट विल इट विल राइट वो लिखने वाला है यसिया सुरैया सुरैया विल रीड सुरैया पढ़ने वाली है यस yes? uh, अनवर विल गो अनवर जाने वाला है यस स्टूडेंट विल स्टूडेंट विल स्टडी स्टडी स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, यस एंड गर्ल्स गर्ल्स विल रन गर्ल्स विल रन लड़कियां दौड़ने वाली है बॉयज़ विल गो लड़के जाने वाले हैं, यस अंकल विल अंकल विल रन अंकल दौड़ने वाले यस आंटी विल कुक आंटी पकाने वाली है बाकी सबके साथ विल विल सिर्फ आई और वी के साथ शल uh, याद रखो <coughs> आफ्टर दैट वुड उसके बाद वुड वुड देखना है वुड वुड हैज़ नॉट एनी मीन वुड का कोई मानना नहीं है वुड ऑल्सो हैज़ नॉट एनी मीन इन दिनी वन डिक्शनरी इन द वर्ल्ड दुनिया के किसी डिक्शनरी में वुड का माना नहीं मिलेगा ओनली इतना ही मिलेगा वुड यूज़ करना भविष्यकाल के लिए इतना यूज़ करना इतना ही उसका मानना मिलेगा मीन जबानी मुस्तबिल का मददगार अफज ऐसे मिलेगा इसका कोई मानना नहीं है बट दिस में मीन मेड अल्लाह सुबह तारा मेड दी मीन आन बी एफ ऑफ मी ये अल्लाह ने हमारे ज़रिए से मीनिंग बनाए 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 हुए हैं अल्लाह ने हमारे जहन में बात डाली हम एक जरिया है यस यहाँ पर लिखा हुआ है वुड वुड का माना बच्चों को ईजी कैसे जाए बातचीत सीखना कैसे जाएगा अल्लाह ने एक जहन में बात डाली यस और हमको जरिया बनाकर ये लिखवाया हमने लिखा वुड वुड मिस उंगा उगी उंगे उंगा उंगी उंगे।, उंगी उंगे मिस देखो कैसे उंग, उंगा मैं मैं जाऊँगा Yes, मैं वो जाएगी लड़की कहेगी मैं जाऊंगी लड़की कहेगी मैं जाऊंगी ज़्यादा कहीं हम जाएंगे ज़्यादा रहे तो हम जाएंगे वो जाएगा एगा भी यूज़ करेंगे एगा एगी होंगे ये सारे चीज़ें वुड के साथ आएंगे ओके okay? मैं कैसे लिखें कैसे यूज़ करेंगे आई वुड गो मैं जाऊँगा सारे प्रोनाउंस के साथ सारे प्रोनाउंस के साथ वुड यूज़ कर सकते जैसे आई वुड वे वुड यू वुड ही वुड शी वुड इट would, they वुड जैसे आई वुड गो मैं जाऊँगा वी वुड गो हम जाएंगे यू वुड गो यू वुड गो तू जाएगा यू वुड गो आप जाओगे तुम जाओगे ही would, ही वुड गो वो जाएगा शी वुड गो वो जाएगी इट वुड गो वो जाएगा एगा एगी एंड दे वुड गो वो जाएंगे एंगे ये इसके लिए वुड का यूज़ किया जाता है वुड ऑलो शुड यूज ओनली फॉर फ्री चर्ट जबान मुस्तबिल के लिए यूज करेंगे वुडर दैट इज शुड शुड मिस चाहिए शुड सारे प्रण के साथ यूज कर सकते किसी के साथ यूज कर सकते शुड मिस चाहिए आई शुड गो मुझे जाना चाहिए आई शुड राइट मुझे लिखना चाहिए आई शुड इट मुझे खाना चाहिए आई शुड ड्रिंक मुझे पीना चाहिए ऐसे ओके किसी के साथ भी यूज कर सकते यस अनोर शुड गो अनोर को जाना चाहिए सोर्या शुड इट सूर्या को खाना चाहिए ऐसे ओके okay? उसके बाद मे मे लिखा हुआ है मे मिस सकना सकना हम जैसे हमने आप उसके पहले लिखा आ, सीखा था कन मिस सकना कन मिस सकना कैन, कैन एंड मे बोथ आर द सेम दोनों सेम है बट दिस इज सम डिफरेंट थोड़ा डिफरेंट इतना है कि मे शुड यूज़ ओनली फॉर परमिशन परमिशन मच मोर यूज फॉर परमिशन बट वी मे यूज़ मे फॉर टॉकिंग ऑलो कॉमन टॉकिंग सादी बातों में बातों में भी हम मे का इस्तेमाल मे का यूज़ कर सकते हैं लेकिन स्पेशली जब किसी से परमिशन ले रहे हैं हम तो मे यूज़ करेंगे जैसे हम लोग सुनते हैं ना कोई ऑफिस में आता मैं कम इन सर पूछते ना मैं कमिन मैं आ, मैं आ कम मैं कम तो यहाँ परमिशन यहाँ परमिशन लेने के लिए समझ परमिशन के लिए मे का यूज़ किया जाता है यहाँ हमें समझ में आता है कि ये परमिशन के लिए यूज़ किया जाता है मिस मे कहने में थोड़ा रह मिस ये जो वर्ड है एक अदब का अदब अदब करने का आदरणीय वर्ड कहेंगे हिंदी में और उर्दू अर, में कहेंगे अदब वाला वर्ड किसी का अदब करना है हमें परमिशन लेना है अदब कर अदब के साथ परमिशन लेना है क्या मैं जाऊँ क्या मैं आऊँ क्या मैं खाऊँ क्या मैं पीऊँ क्या मैं बैठूँ ऐसे पूछना है तो मे आई कम मे आई गो मे आई एट मे आई सिट मे आई स्लीप ऐसे परमिशन किसी से भी परमिशन लेना हो तो अदब से लेंगे मैं से परमिशन लेंगे तो अदब होगा कैन आई गो इसका माना है अरमुठी अरोगली वे आर टेकिंग परमिशन फ्रॉम एनी किसी से हम अरमुठी से परमिशन ले रहे कैन आई गो उसका आ, माना क्या होगा एकदम जैसे हम लोग किसी की इज्जत नहीं करते बेजती मिस आ, किसी की कदर नहीं करते हम किसी का अदब लिहाज नहीं रखते तो ऐसा वर्ड हो जाएगा क्या मैं जाऊँ कैसे क्या मैं जाऊँगा उस उन्होंने नहीं भी कहा सुना नहीं है मैं अरमूटी करना है तो तब कैन का यूज़ करेंगे क्यों यूज़ करेंगे नहीं यूज़ करेंगे हम लोग अरमूटी नहीं करेंगे हम सारों से परमिशन लेंगे तो अदब से लेंगे ओके तो पूछेंगे मैं से पूछेंगे मे आई मे आई ईट मे आई सिट म्या स्लीप मै आई मे आई गो सारों से परमिशन जब लेंगे तो मैं से ही पूछेंगे इसका माना क्या मैं मैं आई को मै आई को क्या मैं जाऊँ ऐसे होगा लेकिन और बातों में यूज़ करेंगे मे आई इट क्या मैं खा सकता हूँ मे आई गो क्या मैं जा सकता हूँ मे आई राइट क्या मैं लिख सकता हूँ मे आई मैं आई टॉक क्या मैं बातें कर सकता हूँ ऐसे होगा परमिशन के लिए जदी बातों के सादी बातें जो यूज़ कर रहे हैं आई मैं जा सकता हूँ आई मे गो आई मे एट माई ऐसे यूज़ कर सकते हो उसके लिए भी लेकिन परमिशन के लिए ज़्यादातर मे का यूज़ करेंगे माइट माइट में सका सका शायद इसका दो माना है देर आर टू मीन्स ऑफ दी माइट सका मैट जा सकती हमने इसके पहले देखा कुट का माना सका कुट मिस सका वैसे ही माइट का माना भी सका ही होगा माइट का माना भी सका होगा तो जैसे कुट यूज़ किया वैसे ही माइट का भी यूज करेंगे किसी के साथ भी माइट का यूज़ कर सकते हैं जैसे अनवर जा सका अनवर कुड अनवर माइट गो अनवर माइट गो यस रफीक खा सका रफीक माइट इट जैसे हम कुट यूज़ किया रफीक कुड इट रफीक खा सका रफीक कु फाइट रफीक झगड़ सका तो रफीक माइट माइट फाइट रफीक झगड़ सका ऐसे भी होगा रफीक का माइट गो रफीक जा सका रफीक माइट राइट रफीक लिख सका रफीक माइट स्पीड रफीक थूक सका ऐसे यूज़ कर सकते लेकिन यहाँ पर शायद शायद के लिए कैसे यूज़ करेंगे रफीक माइट इट शायद रफी शायद मीन्स रफीक माइट रफीक माइट इट शायद रफीक खा यस रफीक माइट गो शायद रफीक जा सका शायद करने के लिए माइट का यूज़ किया जाता है ओके तो यूज़ करेंगे जैसे हम जैसे हम दिखा रहे वैसे ही प्रैक्टिस करेंगे अगर हमें कहना है शायद मैं जा सका आई माइट गो शायद मैं जा सका शायद मैं खा सका आई माइट इट शायद मैं खा सका इसका मानना ये भी होगा ओके ऐसे यूज़ करेंगे आफ्टर दैट मस मस्क मीन्स यहाँ पर लिखा है सख्ती के लिए मस्क का इस्तेमाल करेंगे सख्ती के लिए मस्ट शूड यूज ऑन फॉर कंपल्सन कम्पल्शन मीन सख्ती यहाँ पर लिखा हुआ है कंपल्सन कंपल्शन मीनस सख्ती सख्ती के लिए यूज़ करेंगे मस कैसी सख्ती कौन सी सख्ती किसी बुक में लिखा हुआ नहीं रहता कोई दिखा किसी कोई दिखाता भी नहीं कैसे यूज़ करेंगे सख्ती की आवाज़ में किसी को और बात करना हो किसी को कहना हो कुछ कहना हो किसी को डराना हो तो मस का यूज़ करेंगे hmm. जैसे हम hmm. लोग यूज़ करते तुझे खाना ही चाहिए हम गुस्से कह, में कहते हैं ना तुझे खाना ही चाहिए तुझे लिखना ही पड़िए तुझे लिखना ही पड़ेगा तुझे जाना ही पड़ेगा तुझे आना ही पड़ेगा ऐसे ही बात करते हम मुझे 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 जाना ही होगा तू जाने वाला छे तू खाने वाला छे ऐसे मुझे लिखना ही चाहिए ये सख्ती का वर्ड है जिस वर्ड में जिस आवाज़ में सख्ती होगी तो हम वैसे हेल्पिंग ऑफ यूज़ करना पड़ेगा हमें जैसे हम यूज़ करते तुम्हें लिखना ही चाहिए तुझे लिखना ही चाहिए चाहिए के लिए हम लोग क्या क्या यूज़ करते शुड तुझे लिखना ही चाहिए शुड यूज़ करते चाहिए के लिए शुड तू जाने वाला छे वाला के लिए क्या यूज़ करते अभी हमने देखा शालविल है ना तू लिख सख्ता छ सख्ती सख्ता के लिए कैन यूज़ करते हम तू तू जा सका, सका के लिए यूज़ करते यस जाएगा सख्ती की आवाज़ है एगा ओगा के लिए वर्ड यूज कर दे कोई वर्ड करने यूज करने की जरूरत नहीं है नॉट टू यूज दी हेल्पिंग ऑफ आर यूजिंग दी कंपल्सन सेंटेंस अगर कंपल्सन आवाज सख्ती का अगर निकालना हो तो कोई भी हेल्पिंग ऑम यूज करने की जरूरत नहीं है अगर हमने मस यूज किया मस्त यूज किया तो मस का माना शुड हो जाएगा वुड हो हो जाएगा शाल जाएगा विल हो जाएगा कैन हो जाएगा कुट हो जाएगा शुड हो जाएगा सारे सारे हेल्पिंग एक ही वर्ड हो जाएगा अगर मस यूज करेंगे तो सारे हेल्पिंग ऑम की आवाज़ बन जाएगी तो मस यूज किया तो शुड यूज करने की जरूरत नहीं है अगर मस यूज किया तो वुड यूज करने की जरूरत नहीं है इफ यूज दस नाट टू शु निटेंस इफ यूर नीड नॉट टू यूज कैन इन देंटेंस ओके अगर हमने मस्त यूज़ किया तो सारे हेल्पिंग ऑफ बन जाएंगे तो सख्ती की आवाज़ निकालने के लिए मस्त यूज़ करेंगे आई मस्ट गो मुझे जाना ही चाहिए यस yes, चाहिए के लिए शूड यूज़ करते लेकिन शुड यूज़ करने की जरूरत नहीं मस्त यूज़ किया शुड बन जाएगा उसके बाद आउट टू आउट टू लिखा है टू तो यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन एक्चुअली दिस इस मेन हेल्पिंग ऑफ इज आउट आउट इसका टू भी यूज़ किया जाता है आउट टू मिस टू भी यूज़ किया टू का भी यूज़ किया जाता है आउट टू मिस शुड शुड का माना चाहिए और आउट टू का माना भी चाहिए दोनों भी सेम है यूजिंग ऑसो सेम बोथ मिन्स आर द सेम एंड यूजिंग ऑसो सेम वो मैं यूज़ अलॉन्ग एनी प्रोना किसी भी प्रोनाउन के साथ यूज़ कर सकते हम आई आउट टू गो मुझे जाना चाहिए आई आउट टू कम मुझे आना चाहिए वो ई आउट टू गो हमें आना हमें वो ई आउट चो गो हमें जाना चाहिए यू आउट चो कम तुझे आना चाहिए ही आउट टू राइट उसे लिखना चाहिए शी आउट टू रीड उसे पढ़ना चाहिए इट आउट टू बार्क उसे भोंगना चाहिए भोंगना चाहिए ओके okay, ऐसे यूज़ करते ऐसे यूज़ कर सकते ओके okay? ये स्टिक गिर गई नीचे छड़ी गिर गई उसका आवाज आया धिसवाज और टुडे स्टडी आज हमारे आज की स्टडी ऐसी थी ये क्लिप आपको कैसा लगा इस क्लिप का नंबर भी वही होगा जो पहला वाला हेल्पिंग अप का क्लिप था क्लिप नंबर 84 फोर दैट क्लिप विल बी सेम नंबर दिस बिकॉज दैट क्लिप नंबर वॉइस इज नॉट कमिंग क्लियरली इन दैट लॉट ऑफ नॉइज इन कमिंग दैट अंडरस्टैंडिंग फीलिंग वेरी हार्ड समझना बड़ा हार्ड जा रहा है इसलिए इस क्लिप को डबल बनाया गया तो जिसने भी इस क्लिप को देखा कहो इस क्लिप के बारे में इस हेल्पिंग ऑप के बारे में आपकी क्या है प्लीज़ राइट योर ओपिनियंस इन दी इन दिस क्लिप Please write your opinions, your thoughts in the comments box. Don't forget to write in your thoughts in the comment box. And please supplicate for this, sir. Assalamu alaikum. See you again.